रहमान अबरमीम अल्कुम नास्रीन वॉइस ऑफ जर्मनी के उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के हमारे मौजूद हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की हकूमत से आलहदगी की वजूहत साइंसदान और हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वाली शख्सियत प्रोफेसर हूद भाई की मतली और मशहूर शख्सियत तारक अली की इमरान हुकूमत के बारे में राय अमरीका और जर्मनी के दरमियान दिफाही पॉलिसी पर नयाख्तलाफ जर्मनी से चंद खबरें जी खान साहब आज के हवाले से आपके पास हमारे लिए क्या खबरें खान साहब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमत की अलहदगी और मेंगल साहब के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो है ना ये जमत इतिहादी जमात है इस वक्त तहरीक की इंसाफ की जो हुकूमत कायम है वो तीन पार्टियों की वजह से एक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी एक काफलीक और एक एम के एम इनके वोट अगर इनमें से दो का भी वोट अगर पीछे निकल जाए तो इनकी हुकूमत कायम नहीं रहती लेकिन इन्होंने बलोचिस्तान मूवमेंट बारा अख्तर मैगल साहब ने इससे पहले भी दो तीन दफ़ा बयान दिया है कि भाई हम मतम नहीं हैं हम आपसे अलहदा हो रहे हैं अब सिर्फ ये फ़र्क है कि ये बात इन्होंने नेशनल इसम्बली के फ्लोर पे कही है जो बात नेशनल असम्बली के फ्लोर पे की जाए वो कुछ और मैंने रखती है मुमकिन है कि ये कुछ अब इस मामले में सीरियस हो कि भाई अपने मसाइल की वजह से या अपने जो माहदे हुए थे वो कहते हैं कि हमारे साथ इन्होंने पूरे नहीं किए इन्होंने अभी तक तो बड़ा साथ दिया है इन्होंने सदर के लिए स्पीकर के लिए डिप्टी स्पीकर के लिए सबके लिए चेयरमैन सेनेट के लिए इन्होंने बाकायदा इंसाफ को वोट दिया जिसकी जिसकी वजह वोड़ से है। इनके बंदे जो हैं वो मंतखब हो गए लेकिन जो उनकी बात थी उनको मेन जो गिला शिकवा है वो है क्या नाम इसका जो, जो माहे दो इन्होंने किए थे उनके ऊपर वो कहते हैं अभी अमल नहीं हुआ एक महदाज है जो अठारह अगस्त दो हज़ार अठारह को हुआ था जिसके अंदर जामन बने थे शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजी खारजा हैं इस तरह जहांगीर तरीन जिसकी उस वक्त इंपॉर्टेंट थी पोस्ट पर थे वो और यार मोहम्मद रिंद जो कि ख़ुद बलोचिस्तान में है और वो हर जब भी कोई हुकूमत बदलती है उस पार्टी के अंदर वो चले जाते हैं पीपल्स पार्टी में भी रहे हुए हैं नवाज शरीफ में भी रहे हुए हैं आजकल वो तरीके इंसाफ के साथ दे रहे हैं तो ये लोग जामिन बने थे और उनदों पर वो कहते हैं कि भी अमल नहीं हुआ अब तो अगर तो ये बात सीरियस है मेघल साहब का बयान ये साबित हो जाएगा जब बजट के ऊपर वोटिंग होगी क्योंकि अभी तक उन्होंने हुकूमत से ऐलीदगी का ऐलान नहीं किया इंसाफ से एक किस्म की उन्होंने कहा कि हम दूरी पैदा कर रहे हैं या ये नहीं कहा कि हम अपोजिशन में जा रहे हैं अगर हुकूमत से लाहदा हो रहा है तो साथ ये कहते देते हैं हाँ जी आज से हम अपोजिशन में जा रहे हैं ये भी उन्होंने नहीं कहा वो दरवाज़ा उन्होंने खुला रखा है कि भाई मे बी इमरान खान साहब दोबारा हमसे कोई गुफ्त शुनीत करें या कोई नए वायदे वईद करें तो हम फिर उनका साथ दे दें इसलिए ये बात वाजे होगी जब बजट के ऊपर वोटिंग होगी अगर तो हाँ अगर की कई हाँ, अगर उन्होंने वोट दिया अपोजिशन के साथ तो फिर तो यह है कि भाई हाँ बाकी उन्होंने अख्तियार अगर वो वोट हुकूमत को ही देते हैं कि बजट पास करने के ना तो फिर ये कोई जो है ये कोई मैं समझता हूँ किलहदगी नहीं है असल में जो उनका मसला है वो है मिसिंग पर्सन का वो कहते हैं कि भाई मिसिंग पर्सन हमारे जो है वो नहीं हुकूमत ने मिले और उसके अंदर हुकूमत बेबस है कोई भी हुकूमत नहीं चाहती थी कि मिसिंग पर्सन ना मिले नवाज शरीफ वाले भी पीपल्स पार्टी भी और ये खुद भी सब सत्य है सारे चाहते हैं कि अभी जो मिसिंग पर्सन है वो एक गलत इकदाम है लेकिन उसके अंदर हर सियासी हुकूमत जो है हमारे यहाँ बेबस है वो उनकी अप्रोच से बाहर वो है। उनकी अप्रोच से बाहर है अब जो अब मुनीर मैंगल साहब ने अभी तकरीर की है आजकल जनिवा के अंदर इजलास हो रहा है ह्यूमन राइट्स उनका यूनाटेड नेशन की जो है तंजीम जो है ना एच सी आर तो वहाँ जो उन्होंने तकरीर की है उसमें उन्होंने वो हर दफ़ा उठाते हैं इस दफ़ा भी उन्होंने इसी मसले को पेश किया और एक लंबी फहरिश जो है वो पढ़ के सुनाई है और वो लाजमी बात है कि वो मिसिंग पर्सन का मसला दुनिया को वो मुतवज़ कर रहे हैं कि भाई हमें मिसिंग पर्सन जो है पाकिस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा तो हमारे मिसिंग पर्सन जो है मिलनी चाहिए दो बातें उन्होंने और भी इम्पॉर्टेंट की हैं मंगल साहब ने भी तकरीर के अंदर एक तो उन्होंने कहा है कि जी हम हम बनी बनी गाला नहीं गए यह हमारे पास कोयटे आए थे और इन्होंने हमसे मदद मांगी थी और ये भी एक उनका इशारा है कि भाई हमें बेसिकली इंटरेस्ट कोई नहीं है हम तो आपकी मदद के लिए चले आप कह रहे हैं तो हम आपका साथ दे रहे थे दूसरा उन्होंने कहा है कि भाई बलोचिस्तान हाथ से निकल रहा है ये उन्होंने फ्लोर के ऊपर वार्निंग दी है बलोचिस्तान हाथ से निकल रहा है इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए अब हुकूमत को चाहिए कि भई उनकी इस बात पर ऊपर कान धरे और एक पार्लिमानी कमेटी बना दे कम अज़ कम खुद तो आज़ाद हो जाएंगे ना इस बात से कि जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं वो पार्लियमानी कमेटी के अंदर सारी तफसील आ जाएगी तो फिर पता लग जाएगा कि हाँ किस हद तक ये अपनी बात के अंदर सच्चे हैं क्या मुनीर मैंगल का ताल्लुक भी अख्तर मैंगल की सियासी पार्टी से ही है नहीं नहीं मुनर अख्तर जो है ये एक जो नेशनल पार्टी है जि, जिसके चेयरमैन अख्तर मैंगल साहब हैं ये लोग सियासी अमल का हिस्सा हैं और हमेशा सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं और ये सियासी अमल के अंदर रह कर ही मसले का हल चाहते हैं इनका सिर्फ यह है कि अभी बलोचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं जो उनकी निगाह में है जैसे वो कहते हैं कि जी गैस वहाँ से निकली फिफ्टी टू से गैस निकली हुई यार हमें नहीं मिली हमें सिर्फ चंद शहरों को मिली हुई और बाकी बलोचिस्तान गैस से महरूम है इसी तरह उन्होंने ये भी मसला उठाया कि जो कोरोना की वजह से स्कूलों के अंदर इंटरनेट के ऊपर तालीम दी जा रही है वो हमारे बलोचिस्तान के अंदर नेट ही नहीं है अक्सर जगहों पर तो हम इस बात से महरूम हैं तो लेकिन ये हम हमेशा सियासी अमल का हिस्सा रह के करना चाहते हैं लेकिन मुनीर मैंगल साहब जो हैं वो एलहदगी की तरफ क्या नाम उसका रुझान रखते हैं और इन असल में तो पहली जो गलती हुई थी वो भुट्टा साहब से हुई थी जब उन्होंने इनके वाले जो थे अख्तर मैंगल साहब के अताउल मैंगल साहब वो उनको वजीर अला थे उनको उन्होंने वहाँ से उस वक्त फारग कर दिया था उस वक़्त से फिर उनको जेल में रखा हैदराबाद जेल में लंबा सारा जिया की हुकूमत आई तब जाके उनकी जान छोटी सारे जो था वो केस में साबित भी नहीं हो सका स्पेशल कमीशन बना कोई इलादगी पसंदगी नहीं थी शामिल नहीं हो सका लेकिन उससे एक नफरत की बुनियाद पड़ गई थी जो उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल जो है वो बढ़ती चली जा रही है तो मुनीर अब जो मुनीर मैंगल है उस, उसका बयान ये है कि भाई वो वो तो, तो टोटली अलग ही पसंद तहरीक कहते हैं बलोचिस्तान को अलग हुकूमत बननी चाहिए अब उसने जो उस तकरीर की है यू एन सी आर के अंदर उसमें वो बताता है कि भाई यकम मई को जो है दो हज़ार बीस को क्या नाम इसका एक तो उसने अपने पश्तून को भी साथ में लाया है बेसिकली पश्तून मूवमेंट एक अलहदा मूवमेंट है जो मंजूर पश्तीन लेके चल रहा है लेकिन वो कहता है कि यकम मई 2020 को पश्तून तहफ़ मूवमेंट के जो खिलाफ थे आरफ़ वजीर साहब उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया गया और जबकि दो साल से वो मुकदमात का सामना कर रहे थे पंद्रह माह उन्होंने जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में गुजारे इसके बावजूद उनको अखीर गोलियों से मार के निशाना वो कर दिया गया अब उनका जो चैलुम हुआ है उसकी जो वीडियो वायरल हुई है दुनिया के अंदर उसके अंदर वो क्या नाम इसका अच्छा मैसेज नहीं है लोग जज्बात में हैं गुस्से में हैं और क्या नाम इसका ये भी वो शिकवा करते हैं कि भाई इतने महीने हो गए मई का वो बंदे को गोली मार कर हलाक किया था अब तक रियासत ने कोई कदम नहीं उठाया हुँ. उनके खिलाफ जिन लोगों ने उनको गोली मारी थी अब ये बात उनके सही है लेकिन जो मारने वाले हैं अब उन जो ताकत है उसके आगे तो सिविलकूमत हमारी नहीं बोलती इसी तरह वो कहते हैं कि जी क्या नाम है इसका कोटा में जो अरमान लोई और ख, खटर कमर को बंदे थे जिनको गायब कर दिया गा गया था जिनका आज तक पता नहीं है फिर यह है कि जो मंतखब अरकिन हैं उनके मंजूर पश्तन है अली वज़ी है मोहसन दावड़ है यह लोग कई दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके ऊपर मुकदमे बनते हैं अब जाके कुछ सुलह सफाई हुई है कोई सियासी अमल शुरू हुआ है उनके साथ तो इन लोगों का तो यह है कि भाई सियासी अमल जो है वो शुरू होना चाहिए सियासी अमल हर वक्त जारी रहना चाहिए लेकिन यह है कि भाई दो हज़ार मई दो हज़ार बीस के अंदर मई के अंदर वो जिला तुरबत जो है बलोचिस्तान का वहाँ का इलाका है डंक कोई वहाँ पर एक बलोच खातून जो है मलक नाज उनका नाम था उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी बेटी जो थी बुरश बलोच वो जो है वो जख्मी हो गई थी अब वो भी एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई है अब एक कमेटी बन गई हुई है जो कहती है बुरुश यकजहती कमेटी उसका नाम रखा गया अब वो उन्होंने जर्मनी में फ्रांस में और यूरोप के दूसरे शहरों में मुजहरे किए हैं और वो कहते हैं जी बुरुश ब्लोस ब्लो जो है उसको इंसाफ दो उनका नारा ये है इसी तरह एक हसीबा कमरबानी सोशल मीडिया वायरल हुआ हुआ वा वा आजकल काफ़ी काफ़ी अर्से से है यह वो उनके 2015 में उनका भाई था गज़ीन कम्बर कम्बरानी और कज़न था सलमान कम्बरानी उनको अगवा किया गया और उनकी मथर शुद् लाशें जो बाद में फेंक दी गई सड़क के ऊपर और इसी तरह चौदह फरवरी को ये 2015 की बात थी लेकिन इस साल 14 तो फरवरी को उनके एक और भाई जो है हसान कम्बरानी और उनका कज़न है हस, हिजबुल्ला हस, हस्ब, कम्बरानी उनको भी जबरी तौर तो पर अगवा कर दिया गया और वो लापता हैं इसी तरह फिर एक फातमा बलोच लड़की है जिसका जिक्र भी उन्होंने किया है मुनर मैंगल साहब ने वो अपने भाई उसका भाई इमाम में है उसको अगवा कर लिया गया और वो उसकी जैनी दबाव का शिकार हो गई अकेली बेचारी लड़ती रही है उसके लिए लेकिन वो भाई का नहीं पता लगा तो अब यह है कि उसने भी खुदकशी कर ली है ये बातें जो हैं ये कह रहा नाम इसका मुनीर मैंगल इस किस्म की बातों को ज़्यादा उछाल के तो यूरोप की क्या नाम उसका तो जो हमदर्दियाँ हासिल तो जो, तो जो, हम करना चाहते हैं लेकिन अब असल मसला तो बलोचिस्तान का जो है वो यही है कि सियासी हल तलाश होना चाहिए और उसके लिए मैंगल साहब की ये कम अज़ कम बाकियों के भी जो उनके हैं अब उनके असल में इनके सरदार बहुत ज़्यादा हैं उनमें से बाज बाहर आके बैठ गए हैं और बाज अभी तक सियासी अमल का हिस्सा है तो जो सियासी अमल का हिस्सा है उनकी बात के ऊपर हुकूमत को तोजह देनी चाहिए और ताकि ये सियासी अमल कोई सियासी हाँ होना चाहिए, चाहिए ताकि ये लोग दोबारा से जी कारामत साबित हो सके और अख्तर मैंगल साहब अगर हुकूमत का साथ देते रहें तो उसमें यह है कि भाई एक इस्तेकाम रहेगा हुकूमत के नहीं तो फिर ये है कि भाई एक दफ़ा फिर एक गड़बड़ जो है सामने आएगी सियासी फिर यह है कि ये तहरीक सिर्फ बलोचितान यान मास में नहीं बल्कि सिंध के अंदर भी ये तहरीक मौजूद है और सिंधी बेसिकली तो अंदरून सिंध के अंदर फिर यह है कि वो बहुत छोटी सियासी पार्टियाँ हैं जिनमें से दो तीन को पर तो पिछले दिनों पाबंदी भी लगी थी अब उनके भी एक दो बंदे जो हैं पिछले दिनों के अंदर मारे गए हैं अब जैसे ये था इनका लीडर है क्या नाम है इसका न्याज लाशारी यह अच्छा वर्कर था काफ़ी सियासत में भी सामने रहता था अब इसको 18 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था फिर उसके बाद गायब रहा पाँच महीने पाँच महीने के बाद इसको पेश किया गया हैदराबाद के अंदर एक कोर्ट के अंदर और उसके बाद फिर अभी अमल चल रहा था सियासी अमल जो मतलब उसके जो मुकदमे कार्रवाई चल रही थी वो फिर अगवा हो गया और यह है कि भाई जनवरी दो से वो अगवा था और अब यह है कि उसके पिछले दो तीन दिन पहले उसकी इतला आई है कि उसको उन्होंने मार के तो वो गुलशन हदीद में कहीं किसी जगह झाड़ियों से उसकी लाश मिली है इसी तरह वर्ल्ड सिंध कांग्रेस है उनके भी बंदे जो हैं वो इन के खिलाफ शिकायत है कि उनको मारा गया है फिर एक बशीर अहमद सिंधी है जिस स्कीम जो पार्टी है इनकी उस उसको भी हलाक कर दिए गए पीछे गोलियां मार के फिर यह है कि एम के भी एक दोस्त थे आसिफ हुसैन सदीकी जिसको आसिफ पातशाह कहते थे उसको भी सोलह माह कबल अगवा किया गया था और उसकी भी परसों लाश जो है वो किसी जमाली पुल है कोई कराची में उसके पास से झाड़ियों के अंदर से मिली है इसलिए ये जहाँ जहाँ तहरीक मौजूद है वहाँ बेहतर यही है कि हुकूमत सियासी अमल को शुरू करे ताकि जो है लोगों को ये एहसास महरूमी जो पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो बहुत अहम शख्सियत और बहुत अली तलीम याफ्ता जनाब प्रोफेसर हुद भाई उनके मतली के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे हाँ अच्छा तो कोई शक नहीं कि परवेज हुद भाई जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर बहुत ही मकबूल है और पाकिस्तान की चंद शख्सियात जिनको दुनिया के अंदर माना जाता है उनमें से एक ही है बेसिकली तो ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं नाम इसका फिज़िक्स इनकी लाइन है लेकिन हालात हाजरा पे और इंटरनेशनल फॉर्म पे अक्सर ये मौजूद के ऊपर तबादला तो ख़्याल जो ये करते रहते हैं इनके साथ बस ये है कि भाई ये किसी भी हकूमत के क्योंकि इनका यही होता है कि भाई जो मुल्क के अंदर बेहतरी के जो हालात हैं जो होने चाहिए वो ये पेश करते रहते हैं तजावी तो तजावीज़ हकूत को इसलिए ये किसी हकूमत के मंजूर नज़र नहीं रहे एक तो इनकी ये वजह है जिसकी वजह से इन्होंने क़ायदे अजम यूनिवर्सिटी में मेखल तीस पैंतीस साल जो है यकीन पढ़ाया है वहाँ पर उस वक्त तक तो बात सही थी जब रिटायरमेंट होने के बाद फिर इन्होंने खुल के इजहार करना शुरू किया अपनी सियासी नज़रियात का और सोशल नसरियात का और इनको इंटरनेशनल में बुलाया भी बहुत जाता है तो ये एक तो चूकते नहीं हैं जो बात इन्होंने कह नहीं होती है वो ये बेधड़क कह देते हैं मसलन ये इस बात को तस्लीम नहीं करते कि भाई पाकिस्तान में जिन जो जो सियासी हालात चल रहे हैं या जिस तरह तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में चलाया जा रहा है उसको वो तस्लीम नहीं करते और उसके खिलाफ वो खुल के बोलते हैं कि भाई ये जो है इसने इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है वो पाकिस्तान चाहे वह पाकिस्तान के सियासदान हो चाहे वो क्या नाम इसका हमारी स्टैबलिशमेंट हो वह दोनों के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि तो भाई ये इसने पाकिस्तान को तरक्की के अंदर ये लोग रुकावट है लेकिन वो उनमें खूबी यह है कि वो हमेशा मिसालें दे के बात करते हैं खाली जबानी ये इल्ज़ाम तराची वाली बात नहीं करते वो मिसालें जो हैं वो हुकूमत को पसंद नहीं आती तो ऐसे की कदर करनी चाहिए हाँ लेकिन हमारा माशा आपको पता ही है ये वहाँ से रिटायर होने के बाद लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की थी वहाँ भी यही मसला हुआ कि जो उनकी तकरीर की वजह से फिर उनको मदद कर दी लम्पस वालों ने कभी हमारे पर हुकूमत का प्रेशर आता है कि हमने आपको क्यों रखा हुआ तो आप वो फिर वहाँ से निकल के एफ कॉलेज चले गए वो क्योंकि ईसाई चर्च ऑर्गेनाइजेशन का कॉलेज है तो ख्याल था कि वहाँ वो चलते रहेंगे अभी तक उनका तो जो जो है क्या नाम इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2021 तक है भाई का और अब लेकिन उनको ये कह दिया गया कि भई आपका ये एक्सटेंड नहीं होगा आप अपना बंदोबस्त जो है वो कर लें अब हमारे साथ मुसीबत यह है कि जो भी हमारे लोग बात करने वाले हैं उनके ऊपर ये आना वक्त आता रहता है हूद भाई क्योंकि इंटरनेशनल फैम के आदमी हैं इसलिए उनकी बात बाहर आ जाती है वरना पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर ये मसला रहता है हमारे हाइडलबर्ग में प्रोफेसर रहे हुए थे और वहाँ पर काजा माह इस्लाम आबाद में यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वक्त हैड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है हिस्ट्री के उनके ऊपर भी पिछले दो साल पहले एक बड़ा सख्त वक्त आ गया था सिर्फ उन्होंने हिस्ट्री की असल हकीकत एक सच बयान कर दिया था उसके ऊपर कोई ना कोई खड़ा हो गया और उसने उनके खिलाफ एक तहरीक चला दी और वह तहरीक जो है वो कुछ जोर पकड़ गई चंद प्रोफेसर उसमें शामिल हो गए और फिर क्या नाम है उनके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी वगैरह शुरू हो गई थी और इसी तरह एक डॉक्टर अम्मा अली जान हैं गमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया उसमें पढ़ाते हैं उनको भी इसी तरह निकाल दिया गया था इसी तरह एक जैगम अब्बास साहब थे प्रोफेसर उनको भी उनके इसी वजह से कि वो खुल के इजहार कर देते थे तो उनको निकाल दिया गया था बस ये इस किस्म के मासले जो हैं वो चलते रहते हैं लेकिन ये है कि ये हूद भाई ने डॉन में जो मजमून बड़े कसर से लिखते हैं और रहनुमाई के तौर पर और उनकी बरतरफी जो है ये उनको मअल किया जाना है ये सिविल सोसाइटी और इकटामिक आज़ादी पर एक हमला तस्वर किया जाएगा इसके से पर, पर हुकूमत को और करना चाहिए ठीक मशहूर शख्सियत तारक अली की इमरान हुकूमत के बारे में राय देखिये तारक अली साहब जो है ना ये बतौर के फ़क्र अदीब और तलब इलम लीडर के इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया हुआ और ये बहुत सारी किताबों के मुशनफ़ भी हैं सिर्फ ये है कि मार्क्सिज्म से मुतािर रहे हैं है। और इनके वालिद भी मजार अली साहब और इनकी वालदा ताहरा मजार अली दोनों बड़ी मशहूर शख्सियत हैं इनका और इमरान ख़ान का ताल्लुक ये है कि ये दोनों एक्सपोर्ट में पड़े हुए हैं और तारक अली साहब तो एक्सपोर्ट के यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे और उस ज़माने से ये आपस में मिलते मिलाते हैं तो इन्होंने जब इमरान साहब ने इनसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब ये फ़ारग हो रहे थे क्रिकेट से उस वक्त तारक अली से कहीं जिक्र किया था कि भाई मैं क्या नाम उसका अब तो आप तो, तो किताबें लिख लिख के अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे अब मैं क्या करूँ मैं तो क्रिकेट से फारग होने वाला हूँ तो उस वक्त इमरान खान ने को मशवरा दिया गया था कि भाई आप नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट खोल लें क्योंकि आप कुछ कर गुजरने वाले आदमी हैं तो आप उस ये खोलें इसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे है लेकिन इमरान खान ने उनकी नई बात मानी और इनकी तारक अली की राय यह है कि इनको फिर सियासत में लाया गया है और जब ये आ गए सियासत में तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप इस फील्ड में आ गए जो पाकिस्तान के अंदर इतना आसान काम नहीं है तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं मुल्क को जदीद बनाने का अज़म लेकर आया हूँ और मैं आपको जदीद बनाने का बना कर दिखा दूँगा पाकिस्तान को लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो ताकतें इनको लाई थी वो इस इस अक्सरीत में इनको नहीं आने दिया उन्होंने या ये बैलेंस रखा कि भाई उनकी बात जो है वो हावी रहे इमरान ख़ान साहब के ऊपर और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से उम्र जो रिवायती सियासत करने वाले थे वो तहरीक इंसाफ़ में घुसा दिए थे जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज क्या नाम उसका पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आती और ये रिवायती सियासत जो है इससे लोग जो है वो जल तंग पड़ जाते हैं तो उनके नज़दीक जो है जो पी टी आई का जो है अपना अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रही है तो लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ कभी जो पश्तान पश्तून तहफ़ मूवमेंट है वो चालीस साल से पश्तून हालत जंग में है और वो तहरीक जो है वो वो जोर पकड़ती चली जाएगी अब ये उनकी राय है तारक अली साहब की ज़रूरी नहीं कि ये दुरुस्त हो अमेरिका और जर्मनी के दरमियान दिफाही पॉलिसी पर नया अख्तलाफ सामने आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे इख्लाफ तो नहीं है लेकिन जो अमेरिका की इस वक्त की पॉलिसी है जो जर्मनी में फ़ौज उन्होंने रखी हुई है अमेरिका ने उसकी जो मूवमेंट है वो उसके बारे में खुल के अमरीका कुछ नहीं बता रहा और जबकि जर्मनी ने पूछा भी है कि भाई आप ये मूवमेंट जो है ये किस क्यों हो रही है या इसके क्या आपका फाइनल प्लान क्या है वो उन्होंने नहीं बताया असल में जर्मनी और अमरीका जो है ये दूसरी जंगीम के बाद सबसे बड़े पार्टनर थे और अब तक रहे हैं इसलिए नेटो फोर्स भी यहाँ पे थी यूएस एस ट्रुप्स भी यहाँ पे थे और इसीलिए जर्मनी के अंदर हमेशा अमेरिका के दो जनरल होते थे एक नेटो फोर्स के लिए और एक यूएस एस के जो थे उनके लिए तो अब यह है कि भाई अभी भी यहाँ पे उन्होंने जो है यू एस यूरोपियन कमांड जो है हेडकोर्टर उसका उन्होंने स्टोट में रखा हुआ है जिसके तहत अठत्तीस फौज यहाँ पर है जो जर्मनी के अलावा यूरोप के नेटो ममालिक के अंदर मूव करती रहती है तो बज़ाहिर तो वो ये कहते हैं कि हम फिफ्टी वन जो हैं वो अफ्रीका के भी और यूरोप के भी जहाँ जहाँ अमरीका की फौज जाती है वो यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं इसी तरह जो ग्रैफम वो जगह है जर्मनी में इसके बारन के बॉर्डर के पार चेक बॉर्डर के करीब है वहाँ पे उन्होंने तीन सौ नब्बे किलोमीटर की जगह अमेरिकन आर्मी ने रखी हुई है uh -huh. जहाँ पे वो तमाम अपनी ट्रेनिंग वगैरह सी करते हैं अपने फौजियों की जिस तरह अमेरिका कहते हैं कि अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी जगह है जो अमेरिका ने अपने पास यहाँ रखी हुई है एक लिहाज़ से आर्मी का कैंप बना आर्मी का कैंप बना हुआ है अब लेकिन ये है कि भाई ये अखबार ने एक खबर नशर की थी कि भाई यहाँ से फौज मूव करने लगी है अमरीका की तो उसके ऊपर इन्होंने अब थोड़ा सा रिएक्शन शो किया था लेकिन अब वजीर खारजा ने कहा है जर्मन के कि भई हम तीस मई से जो है ये फौज जो है मूव होनी शुरू हो गई है अब तक जो है एक सौ दो और दो हज़ार पचास मिल्ट्री वहीकल जो हैं वो रात को यहाँ से पोलैंड लेके जा रही हैं तो उस पर अमरीका ने थोड़ा सा रद्दमल शो किया है जर्मनी ने कि हमें पता लगना चाहिए कि भाई इनका आखिरी प्लान क्या है यकीन जर्मनी को पता तो होगा इनकी भी इंटेलिजेंस वगैरह वो नहीं है लेकिन बाहर लोग चाहते होंगे कि भैया अमरीका की तरफ से एक ऐलान हो कि हाँ भाई हम ये कदम उठा रहे हैं असल में तो यह है कि इस इनकी यहाँ फौज के साथ बहुत सारे इकनॉमिकल जो है ना बेनिफिट्स वो भी साथ जर्मनी को जुड़े हुए हैं जैसे आठ जगह फौज है तो आठ की आठ जगह पर जर्मनी के अंदर वहाँ पर ज़ाहिर सिविल से, सिविल लोग भी मुलाजमी हैं फिर यह है कि उनकी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से जर्मनी को बहुत बेनिफिट तो है एक जर्मनी की और क्या सीधा सीधा खबरें आपके पास जर्मनी की जी एक तो यह है कि हमने क्या नाम इसका पिछले दिन बताया था कि वो जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक रिपोर्ट बताई थी उसके ऊपर कुछ मजामी भी आए हैं जर्मनी के अंदर उस रिपोर्ट के बाद और जिसमें से एक हमें यहाँ पे है था नाइजीरिया का क्या नाम इसका म्यूजिक का म्यूजिशन उसका नाम था अम्डियो अंथोनियो उसने एक यहाँ फाउंडेशन बनाई थी और उस फाउंडेशन की बनाई वजह यह बनी थी कि जब ईस्ट और वेस्ट एक हुए थे तो उस वक्त जो था क्या नाम मुजम्बीक का एक ब्लैक बेचारा आदमी वो रात को फुट डिसाओ एक जगह है जर्मनी में छोटा सा शहर है इस जर्मनी का वहाँ पे रात को फुटबॉल देखने के लिए अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया था तो वहाँ से वापस आते हुए उसको तीन जर्मनों ने घेर लिया था और फिर उसको इस कदर मारा इस कदर मारा इस बेदर्दी से मारा था कि पूरा उसके जंगल में लेके उसको जख्मी कर दिया उसके और उसकी मौत जो है तीन दिन के बाद उस पर जो सर के ऊपर चोटें लगी थी उसकी वजह से हो गई थी और उसका नाम था अंद्रियानो अलबेटो ये मुजमरीक का था तीन उसके बच्चे थे और उस वक़्त फिर एक जुलूस वगैरह निकला था पाँच हज़ार अफराद का रिसाव के अंदर लेकिन उसके ऊपर इसने ये फिर नाइजेरियन उस वक्त बहुत उस जमाने में बहुत चढ़ा हुआ था म्यूजिशन तो इसने फिर एक फाउंडेशन बना दी थी तो उसने ये बयान दिया है कि ये जो कहा गया है कि भाई पिछले साल से दस फीसद ज़्यादा थे इसमें तादाद नहीं बताई गई उन्होंने कहा कि ये एक हज़ार एक सौ छिहत्तर बनती है लेकिन ये तादाद वो कहते हैं ये गलत है और हमारी जो उनकी वो है क्या नाम इसका उनके इल्म के मुताबिक जो असायम सीकर है उन्हीं उन्हीं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जो होती है वो भी एक हज़ार एक सौ से ज़्यादा है जबकि ये कुल एक साल इस सा, एक साल का बता रहे हैं इसी तरह एक सैनिकाल के नौजवान है जो के मतलब उसके वालदैन सैनिकाल के थे वो जर्मनी में पैदा हुआ था वो पहला बंदा है डॉक्टर करम्बा दियाबी जो जर्मन पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुआ है एसप्रेडे की तरफ से उसने भी एक उस कहा है कि भाई जर्मन आइन के अंदर किसी डिस्क्रिमिनेशन की इजाज़त नहीं है लेकिन जर्मनी के अंदर जो है ये वाक़ जो हैं बढ़ रहे हैं तो इस तरफ उसने मुतवज़ किया है कि भाई जर्मनी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ तोजो करनी चाहिए लेकिन हकूमत बहरल इसमें इन काम, कामों में इन्वॉल्व नहीं होती यहाँ पर यह है कि भी अफराद या लोग ऐसी कर देते हैं।, हैं लेकिन, लेकिन हुकूमत बाहर ले उनके खिलाफ एक्शन लेती है इसके अलावा जो है अपनी हमारी सेनेटर है इसकी इंटरनल अफेयर फॉरन इंटरनल अफेयर अंद्रियो गाइज़लर, उसने एक बयान दिया पब्लिक में उठाया उसने कहा कि जी मैं तीन दफा अपने वजी दाखिला से बात कर चुकी हूँ कि यूनान के क्या नाम है लेस को जगह है वहाँ पे 300 सौ करीब औरतें हैं जो बीमारी का शिकार हैं और उनको यहाँ लाने के लिए मैंने इनसे बात की है लेकिन वजी दाखिला ने इंस्पेक्टर को नोटिस लिया तो अब उसने वज़ी दाखिला को हत लिखा है और वो ओपन कर दिया कि पब्लिक की राय उसको चाहती है कि पब्लिक मेरी हमायत करे और तीन सौ औरतों को जो हम यहाँ जर्मनी लेके आए इसी तरह जो करोना के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही थी वो अब कई कंपनियों उसमें कामयाबी हासिल चुकी हैं जर्मनी से भी तीन चार कंपनियाँ हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है लेकिन जर्मनी फ्रांस इटली और हॉलैंड इन्होंने मिल के एक माह किया है एक कंपनी है उसका नाम है आस्टा जिनेका कि भाई ये जो सबसे पहले ये तैयार करने में कामयाब होगी मार्केट में लेके आएगी उसकी 300 मिलियन वैक्सीन जो है वो ये ममालिक खरीद लेंगे और ये जो कंपनी है ये पहले असल में बरतानिया में कंपनी थी जेनेका और स्वीडन में थी आस्ट्रा इन दोनों ने 1999 में नाइन मर्ज हो मर्ज्यहदा थे और एक कंपनी बना ली थी दोनों मिलके एक तो वो कहते हैं चार मिलियन है, की आबादी है यूरोप की और ये 400 मिलियन जो है ये तैयार करेंगे नल्दी, एंड ऑफ द ईयर उसमें से 300 मिलियन जो है वो जर्मनी फ्रांस इटली और हॉलैंड ने उनके साथ माह करके पाबंद कर दिया कि वो इन्होंने बचेंगे इसके अलावा फ्रांस की एक हाई स्कूल की गर्ल थी उसका नाम है मलिहा उसको काफ़ी अस्से उसके स्कूल के जो तीन तीन तालब इलम थे वो तंग करते थे और इस्लाम के बारे में बार बार उसको गलत बातें जो है वो ईमेल पे भी लिखते थे और क्या नाम उसका व्हाट्सएप पे और वैसे भी कहते थे अब उन्होंने उसको जान से मार देने की धमकी दी है उन्होंने दी है तो उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया है फ्रांस ने और फ्रांस ने कहा कि तीनों टीन एजर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसको बाकायदा उन्होंने एक वार्निंग जारी की है कि स्कूलों के अंदर इस फिजा से रखा जाए और इसके अंदर ये है कि सबक है उन ममालिक जिनमें में तलबा को क्या और क्या उस भी बच्चों के अकायद बिगाड़ कर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और हुकूमती वज़रा भी असल नाम से पुकारने की बजाय जो है उनको झूठे नाम रख के या अपने नाम बिगाड़ के मुखातब okay. करते हैं तो फ्रांस का ये इकदाम जो है ऐसे अच्छा। ममालिक सबक रखता है नाजन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम वॉइस ऑफ जमीनी की तरफ से मशहूर आर्टिस्ट जो है तारक अजीज़ साहब उनको ट्रब्यूट पेश करना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है जो मैं नाजीन की नज़र करता हूँ दी रात मैं कल्ला माँ कोई नहीं मेरे कोल आई दी रात मेरे रब्बा नेड़े हो के बोल इस शेर का खालिक तारक अजीज़ दो रोज़ कबल इस दुनिया से रखसत हो गया हकीकत तो ये है कि ये तारक अजीज़ की तीसरी मौत थी किसी आर्टिस्ट की मौत तभी हो जाती है जब इससे उसका फ़न छीन लिया जाए प्राइवेट चैनल्स आने के बाद तारक अजीज़ को कहीं भी काम न देना इस बात का ऐलान था कि तारक अजीज हम में नहीं रहे तारक अजीज़ तहजीब शस्त ज़बान अदब शायरी और ज़बान बयान के माहिर थे इसके मुकाबले तजारती चैनल्स थकड़पन बदतमीज़ी चीखना चिल्लाना बेहूदगी बदतमीज़ी के मदरस हैं। रेडियो पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर नमूदार हुआ तो लोगों के दिल में घर कर गया लेकिन वो असल में इनकलाबी था और यही इनकलाबी रूह उसको सियासत में ले गई और उसने सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी से किया जिया और आया तो भुट्टो का सिपाही जिया के साथ जा खड़ा हुआ तारक अजीज़ ने नीलाम घर में शायरी के साथ साथ अहादीस सुनानी शुरू कर दी जब उन्नीस सौ अट्ठासी में बेनज़ीर की पहली हुकूमत बनी तो तारक अजीज़ का नीलाम घर बंद कर दिया गया तारक अजीज़ को नीलाम घर के सिवा कुछ आता भी नहीं था तो इसने नवाज़ शरीफ़ के दामन में पनाह ले ली जिससे कौमी इसम्बली की नशस्त तो मिल गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गेट और दीवारें फ़लाने वालों में शामिल होने पर सियासत से बाहर कर दिया गया मुशरफ आमरीत आई तो उनकी बीवी हाजरा तारक मुस्लिम लीग काफ की नशस्त पर कौमी इसम्बली की रुकन रहीं, मुझ समेत बेशुमार लोगों के लिए ये कलाबाजियाँ इनकी दूसरी मौत साबित हुई अपनी तीसरी और पहली तबी मौत से पहले तारक अजीज़ ने शायद ख़ुद से मुखातब होकर कहा था छोटिया छोटिया गल्ला उत्ते एवें ना तू लड़या कर एडिया सोनिया अखा दे हंजू ना तू भरया कर जेड़े कम नहीं तेरे चन्ना तू वो कम ना करया कर उनकी ये नज़म पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि बार बार मरने वाला ये फनकार किसी और दौर में पैदा होता तो उसे इतने समझौते ना करने पड़ते मुल्क को ऐसी वबाओं ने घेरा है कि वहाँ किसी को भी नज़रिया नहीं रहने दिया तारक अजीज़ ने तो भी उसी माशरे का हिस्सा था जहाँ हम सब बतौर मारूज़ा चप्पा चप्पा मर रहे हैं इस प्रोग्राम को हम आज तारक अजीज़ के नाम करते हैं और नाच्रीन अपना और अपने अजीज वकारीब का ख्याल रखिएगा आजकल के हालात में महकमा सैद की हदायत पर पूरी तरह अमल कीजिएगा जान है तो जहान है इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहते हैं फी अमानल